दोस्तों नमस्कार, एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों में यानी MiG-29 में इजरायली मिसाइल रैम्पेज मिसाइल सिस्टम लगाने की योजना बना रही। रैम्पेज मिसाइल इजरायल की एल्बिट सिस्टम बनाती है। इसके साथ ही और रिपोर्ट्स की माने तो भारत और US हार्पून मिसाइल की डील भी करने वाले हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना को हार्पून मिसाइलें भी दी जाएंगी। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों मिसाइल सिस्टम की क्षमताएं और खासियत के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कौन सी मिसाइल कितनी ताकतवर है और यह भारत के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इन दिनों दुनिया में दो युद्ध जारी है। एक हमास और इसराइल का युद्ध, दूसरी ओर यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में भारत भी अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान MiG-29 में इजरायली मिसाइल रैम्पेज लगाने की योजना बना रहे हैं। यह मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में स्टैंड ऑफ वेपन है। इससे पहले इंडियन नेवी ने MiG-29 फाइटर जेट्स में भी इन्हें लगाया था। यह मिसाइलें वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं। अगर हम रैम्पेज मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल के लिए गोवा के चिकालिम में नई टेस्टिंग फैसिलिटी बन चुकी है। रैम्पेज मिसाइल एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल करीब 15 फीट लंबी और इसका वजन 570 किलोग्राम का है। यह GPS गाइडेड मिसाइल है जो कि ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम के जवाब देने के लिए बनाई गई है। रैम्पेज मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता, यानी इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। यह मिसाइल इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। वही कंपनी के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी मौसम में मार करने में सक्षम मानी जाती है। वहीं इसके उलट अगर अमेरिकी मिसाइल हार्पून की बात करें तो हार्पून मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे भारत की नौसेना इस्तेमाल करने वाली है और इसी के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाया जा रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से राजनीतिक स्थिरता, शांति, आर्थिक विकास और इंडो पैसिफिक दक्षिण एशिया इलाके में शांति का माहौल बना रहेगा। हार्पून मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है और बेहद ही ताकतवर मानी जाती है। हार्पून मिसाइल की बात करें तो दुनिया भर में 30 देशों के पास यह मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल के फिलहाल दो वेरियंट हैं। पहला हवा से लॉन्च कर जाने वाला, करीब इसकी लंबाई 12 फीट की है। दूसरा कि जमीन और पनडुब्बी या जहाज से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है जिसकी लंबाई 15 फीट के आसपास है। हार्पून मिसाइल के वजन की बात करें तो करीब 220 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं इसका स्पिन 3 फीट का होता है और इसकी जो रेंज की बात करें तो करीब 220 किलोमीटर से 280 किलोमीटर दूर टारगेट को मार करने में सक्षम है। अगर इसके स्पीड की बात करें तो करीब 860 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे दागा जा सकता है। सबसे खास बात हार्पून मिसाइल की यह है कि जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से इसे दागा जा सकता है, यानी इसे फाइटर जेट में भी, युद्धपोत में और पनडुब्बियों में भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर रैम्पेज मिसाइल की बात करें तो रैम्पेज मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में भी काफ़ी सक्षम है। तो ये थी बात हार्पून मिसाइल वर्सेस इजरायली रैम्पेज मिसाइल की। दोनों ही मिसाइल सिस्टम अपने जगह पे काफ़ी खास और उन्नत श्रेणी की मिसाइल मानी जाती हैं। रैम्पेज मिसाइल इजराइल की सबसे शानदार मिसाइलों में से एक है। नमस्कार।